पानीपत सिविल अस्पताल के टॉयलेट में बेटे को जन्म देकर वहीं छोड़कर भागने वाली मां को पुलिस ने ढूंढ ही लिया है। बच्चे को जन्म देने वाली नाबालिग की उम्र मात्र 17 साल है। वह नागलखेड़ी के पास की रहने वाली है। पुलिस ने बच्चे को जन्म देने वाली नाबालिग लड़की, उसकी मां, कंपनी का कर्मचारी जो साथ में आया था, और युवती से संबंध बनाने वाले युवक को समेत पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। आज सभी का मेडिकल करवाकर न्यायालय हिरासत में भेज दिया जाएगा। वहीं सेक्टर 29 थाना में नाबालिग से संबंध बनाने वाले युवक के ऊपर पुलिस अब दुष्कर्म की धारा लगा FIR दर्ज कर ली है। वहीं 17 साल की नाबालिग का DNA टेस्ट कराया जाएगा। विकास नगर के रहने वाले 18 वर्षीय युवक ने नाबालिग से संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई थी। परिवार के लोगों ने पहले इसकी कोई शिकायत नहीं दी थी और इसको छुपाने के लिए ही नाबालिग की सिविल अस्पताल के टॉयलेट में डिलीवरी करवाने के बाद फरार हो गए थे। इसके लिए सबसे पहले तो मैं पानीपत पुलिस का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने ये किया, लेकिन पूरा श्रेय मैं मीडिया को भी दूंगी, क्योंकि मीडिया ने CCTV फुटेज जो है मीडिया ने भी दिखाई और पुलिस ने उसको गंभीरता से लिया और उनको गिरफ्तार किया। अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहती हूँ कि जागरूकता की कमी है समाज में, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। माता पिता को कि अपनी बेटियों का ध्यान रखें कि आपकी बेटी जो है उसमें थोड़ा सा भी बदलाव अगर दिखता है तो अपनी बेटी से बात करें, और इस तरीके की अगर बेटियाँ गलती कर देती हैं और कोई ऐसी बात होती है तो बच्चों को फेंकने की बजाय या उनका गर्भपात करवाने की बजाय डॉक्टरों से बात करें, CWC से बात करें। अगर कोई ऐसी घटना हो भी जाती है तो उस बच्चे को फेंके ना, जगह जगह पलने लगे, पलने में छोड़ो या डॉक्टरों से बात करके सिविल हॉस्पिटल में या CWC से बात करके सरकार को बच्चा दे दे। एक एक केस आज तक पानीपत पुलिस ने ट्रेस किया, इससे पहले और भी मामले आए हैं, उनको क्यों नहीं पुलिस ये कहीं ना कहीं कमी थी पुलिस की, पुलिस उसको गंभीरता से नहीं लेती थी, क्योंकि 317 में मुकदमा दर्ज हो जाता था। मुकदमा दर्ज होने के बाद, क्योंकि मुकदमा दर्ज करवाने वाला आम आदमी होता था, आपने देख लिया, मैंने देख लिया, शिकायत दे देते थे कि ऐसे बच्चा मिला, ऐसे भ्रूण मिला, तो उसके बाद कोई दबाव देने वाला होता नहीं था, कोई जाके पूछता नहीं था उस केस में क्या किया, तो इसलिए जो पुलिस है उसको गंभीरता से नहीं लेती। मैंने ये मान लो कि DGP को, बाल आयोग में, गृह मंत्री को, हर जगह SP, IG, DG सबको मैं लेटर लिखती थी, जब भी कोई बच्चा मिलता था हर बार मैंने लेटर लिखे कि भाई इसको गंभीरता से लो, इसको गंभीरता से लो, लेकिन पुलिस जो उसको गंभीरता से नहीं ले रही थी। ऐसे ऐसे भी मामले मेरे सामने आए, जैसे सिविल हॉस्पिटल में पीछे एक बच्चा आया था, वो 9 नंबर कमरे के बाहर बच्चे को छोड़ कर चले गए, उसके माता पिता वो तब भी ढूंढ सकते थे, नहीं ढूंढे। ऐसे ही एक जगह का मामला था, काबड़ी रोड का जो मामला था, वहाँ थाना के अंतर्गत एक तीसरी मंजिल के जैसे क्वार्टर थे, क्वार्टर में तीसरी मंजिल पर एक 5-6 महीने का भ्रूण मिला था, तो वो उसी का था। तीसरी मंजिल पर जाकर कोई पड़ोसी तो घेर के नहीं आता, उसी में रहने वाले थे। तो इस तरीके के भी मामले आए, तो पुलिस ने उसको भी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब की बार पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। खासकर मैं धन्यवाद करती हूँ CTSHO का, जिन्होंने अपनी पुलिस, क्योंकि IO इतनी गंभीरता से नहीं लेते जब तक थाना प्रभारी उसमें नहीं लगता, और ये SHO का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बड़ी गंभीरता से अपनी पूरी टीम के साथ लग के सारे CCTV कैमरे भी चेक करे। खुद 5-4 घंटे में भी उनके साथ कैमरे चेक करवा रही थी, उसके बाद भी उन्होंने GT रोड के कैमरे चेक करे और ऐसे ही करके, और जैसे ही उन्होंने CCTV के माध्यम से भी, और उनके अपने मुखबर भी होते हैं पुलिस के, उनके माध्यम से इनको ढूंढ लिया। इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। दिनांक 29/9/23 को सिटी अस्पताल, अपने सिविल अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक कोई महिला, कोई अनजान, नाम पता नामालूम महिला, हॉस्टल के प्रथम तल पर जो महिला टॉयलेट था उसमें किसी बच्चे को जन्म देकर निकल गई, जिसकी सूचना हमें संतरा है वहाँ कौशल रोजगार से क्लास 4, उसकी दरखास्त मिली, जिस सूचना पर मुकदमा दर्ज किया और सारे CCTV फुटेज की जांच की और माननीय SP साहब के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश से उसमें लगातार हाईवे के सिविल अस्पताल के सारे CCTV फुटेज को खंगाला और फिर कल उस महिला को जिसने जन्म दिया और उसकी मम्मी जो उसके साथ थी, एक उनका जानकार था और एक वो लड़का जिसने इस लड़की के साथ गलत काम किया था जिसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई थी, इन चारों में से 3 को कल गिरफ्तार कर लिया था और चौथी महिला को, लड़की की मां को, आज गिरफ्तार किया है। आज भेजा जाएगा, भिन्न भी आई मां थी सर ये। हाँ, वो बेटी
वो बिन ब्याही थी। सर कितना समय लगा पुलिस को इस प्रकार की कार्रवाई करने में? पहली बार ऐसा खुलासा जो है पुलिस को उनतीस सर एक तीन दिन के भीतर भीतर ये काम कितने किलोमीटर तक पुलिस को काफ़ी फुटेज सिविल अस्पताल से लेकर और हाईवे तक जहाँ 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 जैसे जैसे सुराग चलता गया काफ़ी फुटेज कमा ली थी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।